एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदक किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे मटन कीमे का अचार। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें 3 स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ही रहेगी। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और राई ऐड कर लेंगे, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। कीमा डाल देंगे। और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। देखिए कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून राई पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालकर हम इसमें 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, इसको इस तरह से बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। हम अचार में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस टमाटर के पानी में ही ये अचार सारा बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए सारे मसालों की स्मेल जा चुकी है। अब हम इसे इसी तरह से हिलाकर इसका सारा पानी सुखा लेंगे और इसी में ही इस खीमे को टेंडर कर लेंगे। इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा चेक करते रहेंगे ताकि कढ़ाई को ना चिपके। ये देखिए फ्रेंड्स, खीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 लेमन का जूस लिया है। अब हमें बस थोड़ी ही देर पकाना है, उसके बाद में गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस अचार को बनने में लगभग आधा घंटा लग चुका है। इस तरह का अचार बनाकर आप पराठों के साथ, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस अचार को आप अगर ज़्यादा दिन तक रखना हो तो फ्रिज में स्टोर करके रखिए, वरना नहीं तो 8 दिन भी आप बाहर इसे रखकर खा सकते हो। बकरीद स्पेशल मटन कीमे का अचार बनकर रेडी हो चुका है। आपके घर में भी बकरीद का गोश्त तो होगा ही, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।